Hello everyone, and please welcome the sizzling, the sexy Shweta Tiwari on Ambuja Cement Presents Comedy Circus ka naya daur. अब नया दौर है तो एंकर भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आ गई हूँ. हाँ मुझे मालूम है कि दिलेर जी नहीं है, ये तो सोहेल के लिए था. प्लीज वेलकम सोहेल खान. और जिनकी हंसी के आगे अमेरिका का मिसाइल भी फीका है, प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह. हमारा आज का एपिसोड है इमेजिनेशन स्पेशल. ये कॉमेडी सर्कस है और यहाँ जीतना इतना आसान नहीं है. अब मुझे ही देख लो, तीन तीन बार हारने के बाद अब एंकर बन गई हूँ. कॉमेडी सर्कस पहुँच चुका है इमेजिनरी की ऐसी ही एक दुनिया में जहाँ सब कुछ इमेजिनेशन में होता है. तो आप भी इमेजिन करते रहें और देखिए ये मैजिकल परफॉर्मेंस. वेल डन रामू काका, वेल डन. नहीं आप क्या सोच रहे हो, ये हीरो वाली एंट्री थी? नहीं, जितने भी यहाँ पे ऊपर बल्ब लगे हैं इसको लगाने और उतारने के लिए रखा है. बेटे ऊपर बल्ब खराब हो गया, ये भी लगा के आओ. और सुनो, ऊपर फ्लश की पाइप खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा, मुंह से खींच के ठीक करो. सूर्य जितना ऊपर है उससे 10 गुना नीचे बोले तो दिखने में छोटा लागे, घाव करे गंभीर. अरे हीरे मोती बोला था, मोटी नहीं. आज की सनसनीखेज खबर, मिस्टर विपुल शाह कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर कर रहे हैं पगारों का भुगतान. कॉमेडी सर्कस के स्टूडियो में खलबली मच चुकी है, जश्न का माहौल है. अर्चना जी ये रिलैक्स, आप कैलकुलेशन शुरू मत कीजिए, ये सिर्फ इमेजिनेशंस में होता है. रियलिटी में विपुल सर पैसे नहीं देते हैं, आप जानती हैं. तो भी इस ब्यूटीफुल इमेजिनेशन को लाइव टेलीकास्ट करने आ रहे हैं हमारे इस देश के नंबर वन जोड़ी सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड कृष्णा एज विपुल शाह. हेलो. हाँ निकुल. हाँ गांडा. शू छे? हाँ शू छे, चप्पल नहीं शू छे. बात समझ नहीं आई यार निकुल, वो जो एग्रीमेंट मैंने दिया था अर्चना का अंगूठा लगवाने के लिए, तुमने उस पे पांव का अंगूठा क्यों लगवा लिया? क्या हाथ का ही अंगूठा है? इतनी बड़ी अंगूठा छाप है ये? क्या कहती पेमेंट बढ़ाओ? हाँ एक काम करो, पेमेंट मांग रही है ना, तो 2 की जगह मुंह में 5 वड़ा पाव फेंक के मार देना. अरे नहीं मैगसे नहीं मानेगी, सुनो नहीं मानेगी ना तो फिर हम वो वाली बात परमीत को बता देंगे. अरे अरे वो वाली नहीं, उसमें मैं था, मैं अर्चना की बात कर रहा हूं. कैसा भांग जाए तू निकुल, गांडा मारी नाखी तोड़ी नाखी धुको करी नाखी. सॉरी अर्चना जी, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूं. हाँ अरे अर्चना की वो वाली बात, वो जो वो रात को देखा था ना होटल के बाहर, रात को खड़ी नहीं थी होटल के बाहर? हाँ वही मूछे लगा के दरबान बन के खड़ी थी ना होटल के बाहर. यहाँ तो साला लाफ्टर देती नहीं है, वहां 10-10 रुपए टिप में लाफ्टर दे रही थी. क्या ये वाली बात परमीत को पता है? अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर वो वाली बात बता दे. अरे वो वाली जो शूटिंग के पैकअप के बाद वोडाफोन स्टोर के बाहर 300-300 रुपए में जो जुजू बनती है. शक्स मैन. क्या ये वाली बात भी परमीत को पता है? क्या दूसरा जुजू परमीत बन के खड़ा होता है? देखो अब और तो कोई बात नहीं बची, अब हाथ जोड़ के प्यार से साइन करवा लो यार. अच्छा अरे वो दूसरे लड़के का क्या हाल है? अरे वही लड़का जिसको हमने सलमान खान के लालच में लिया है. हाँ हाँ अगर सलमान आएगा 200-400 रुपए कम तो करवा ही देगा सोहेल. क्या एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहा, पूरा पढ़ लिया क्या? निकुल गांडा मारी नाखी तोड़ी नाखी धुको करी नाखी. साले तेरे को बोला था पढ़ा लिखा जज मत लेना, फिर भी नहीं सोहेल खानी चाहिए तेरे. माय गॉड तू फिकर मत कर, अभी मैं शूटिंग पे पहुंच रहा हूँ तो वहां जाके सारी बात कर लूंगा. हाँ ओके ओके गांडा बाय. कैसी है? गंदे गंदे पंचों पर भी हंस रही. रखे
अर्चना जी, ये बेचारी बहुत अच्छी है, इसे कुछ समझ नहीं आता, ये शूटिंग पर सिर्फ मेरे लिए आती है। तू 5,000 रख। आज इमेजिनेशन स्पेशल है, और इससे अच्छा इमेजिनेशन क्या हो सकता है कि मैं खुद समझ गई, बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं खुद सबकी आज पेमेंट करने आया हूँ। हेलो हेलो सर जी, सर जी हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। क्या कॉमेडी सर्कस है, निकाल दिया? नहीं नहीं, देखो जी, पहली बार मैंने कॉमेडी का साइन किया था, फाइनल तक पहुंच गए, और क्या चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अब वही पुराना काम, प्रॉपर्टी डीलर। बाजी बहुत टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जी, उसकी घड़ी निकाल, बड़ी कृपा है। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके बाय। ओ जरी नहीं, सर जी कुछ नहीं बोलिएगा आप। नहीं मेरी बात, नहीं 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 कुछ नहीं बोलिएगा आप मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, अरे मेहमान भगवान समान होता, आप मेरे घर पर आए सर, मैं पहले आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। अरे एक नहीं, जैसे गिफ्ट थे। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी घड़ी सेम मेरे पास है। आपके पास है? हाँ जी। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर मैं ही रख लेता हूँ, आप नहीं जाने दीजिए। नहीं खैर, ये बताइए यहाँ आना कैसे हुआ सिद्धू पाजी? ये कमाल है यार, रब रखा, कमाल कर रहे हो। सिद्धू भाई नहीं, मेरा नाम नहीं पता क्या? डीएम, डीएम। अच्छा दिया मास्टर। ओ दिया मास्टर, इसी दिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। टुई टुई टुई, मेरी पुई 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 हो गई। माय गॉड। एक तो भाई मैं यहाँ पे आया, मेरे को कहते हैं कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी का जज बनाया, बाद में मुझे सिंगिंग वाले में ले आए शो में। आप यार बेइज्जती कर रहे हो मेरी, मैं जा रहा हूँ यार, कमाल कर दिया। मेरे पैसे दो। पैसे? हाँ जी। पैसे एक मिनट सर जी, आपके कुल मिला के होते हैं सर 2,50,000 रुपए। चलो शुक्र है कुछ होता था दो। नहीं दो नहीं, आपको हमें 2,50,000 रुपए देने। ये क्या बकवास है? बकवास कुछ नहीं है सर। सर याद है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख के कहा था, याद है, एक एपिसोड में सिर्फ 3 बार दिया जलाना। आपने हर एपिसोड में 400-500 बार ट्वीट 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 कितने दिए जलाए। एक मिनट, आइए सर, आइए देखिए, मैं आपको, आइए सर, ये आप लाइटें देख रहे हैं सर, ये लाइटें, इन लाइटों का महीने का 3,000 का बिल आता है। आपके अकेले दिए का 37,000 रुपए का बिल आया है सर। 37,000 में तो दिया मिर्जा खुद आके जलने बुझने को तैयार हो जाए सर। लाइए सर 2,50,000 रुपए, नहीं तो फिर केस। अच्छा तो आप मेरे को धमकी दे रहे हो? सर मैं गुजराती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पक्का? हाँ, हाँ तो रस्ते में मुझे बांद्रा छोड़ दीजिए। आइए बोलो, जाइए जाइए जाइए। हेलो। अच्छा निकुल, कमाल की बात है यार, तूने नोट तो बड़े अच्छे छपवाए हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। वो अलग बात है, मैं जानता हूँ मैं तेरा मामा हूँ, तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर नोट में मेरी शक्ल छपवाने की क्या जरूरत थी तुझे। हाँ खैर, मैं सबकी पेमेंट कर दूंगा। श्वेता जी, ये लो तुम्हारी पेमेंट, रख लो रख लो रख लो। ओके। और ये एक्टिंग के लिए। नहीं, ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही हो? ये एंकरिंग के दिया मैंने। ओह अच्छा। ऐसे गंदे रिएक्शन दोगी तो लोग फिर गलत समझेंगे। हाँ। ये कृष्णा आने वाला था पैसे लेने के लिए, कृष्णा कहाँ चला गया? ए तेरी मगज था कि नका, ए बड़ी स्मार्ट लग रही है रे तू। हाँ जी भाई भाई भाई, ए तू क्राउड में से उठ के यहाँ कैसे आ गई रे? ए अर्चना, ए कैसी हो साल भाई? लग रहा हूँ ना कृष्णा। क्या बात है कृष्णा जी, स्टार बन गए हैं सर। है बस एक बात कहूँ सर, ये शो जो है ना आप ही की वजह से चल रहा है सर। पर बाहर तो ये अर्चना जी एक बच्चे को मार मार के मना रही थी कि बोल ये शो मेरी तरफ से चल रहा है। अरे खाक इनकी वजह से चल रहा है, जो औरत अपनी लूना ढंग से नहीं चला पाती शो खाक चलाएगी। लेकिन कुछ भी कहो, अपनी जवानी के दिनों में ये बहुत टैलेंटेड हुआ करती थी। अरे कोई टैलेंट नहीं था, जवानी के दिनों में भी सिर्फ दो ही टैलेंट था, एक तो अपने दांतों से बियर का ढक्कन खोल लेती थी, और चलती हवा में एक ही तिल्ली से सिगरेट जला लेती थी।
और कोई टैलेंट नहीं। इनको तो हमने स्टार बनाया, लेकिन एक बात कहूं कृष्णा जी, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है सर। यही खाइए, लड्डू खाइए सर। ये होता है प्यार, विपुल जी के लिए जोरदार तालियां। ये किस खुशी में? बस ऐसे सर, बाहर जमीन पे पड़े थे, मैंने सोचा आपको खिला। अरे पंच मारा है सर, मैं प्रोड्यूसर होकर पंच नहीं मार सकता। वही तो मैं, अरे मैं कभी भी जमीन से उठाए लड्डू आपको खिलाऊंगा, ये तो मैं कुत्ते के मुंह से छीन के लाया। अब ये बताइए कैसे आना हुआ यार कृष्णा जी? क्या हुआ सर? एक्चुअली क्या है ना, मेरे दादाजी की कल रात को डेथ हो गई। हाँ जी, पार्टी करनी, थोड़े पैसे चाहिए सर। मेरी पेमेंट मुझे दे दो। अच्छा पेमेंट? हाँ मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ पेमेंट। एक मिनट, आपका अकाउंट तो खोल लूँ। ये कृष्णा। अरे ये तो अर्चना जी का अकाउंट खुल गया। सर किसी का भी खोल लो, देने किसने? नहीं। अच्छा सुनिए, आपकी पेमेंट है 2,40,000 रुपए। देखो आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी पेमेंट 40,20,000 रुपया है, 20,000 40 लाख नहीं है। आप नजर कमजोर हो गई ना सर। आप अपनी पेमेंट ले लीजिए, अब बाहर जाइए, ट्रक में पड़ी है। ये क्या बकवास कर रहे हो, ट्रक में पेमेंट? वो 25-25 पैसे की चवन्निया है ना सर, वो ले लीजिए, लेकिन गिन लीजिएगा। ये तो बाद में लोग कहते हैं कि विपुल डी साहब पूरे पैसे नहीं देता सर। ज्यादा सियाना नहीं बनने का क्या? मैं चवन्निया वन्निया नहीं लूंगा, 1,000-1,000 के नोट लूंगा। अच्छा 1,000-1,000 के नोट लेगा? साले ऐप तो आजकल सारे चवन्नी वाले कर रहा है, तेरे को 1,000-1,000 के नोट चाहिए? देख सबसे ज्यादा लाफ्टर इसी पंच पे आया। ठीक है आप पैसे दे दो, अगर आप हम गरीबों के पैसे नहीं देंगे, कलाकारों के पैसे नहीं देंगे, तो हम भूखे मर जाएंगे साहब जी। अरे कृष्णा क्या कर रहा है बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे ऐसा नहीं करते, मेरे बूट गंदे हो रहे हैं। यार चाहे तुम लोग मेरी कितनी भी बदनामी कर लो, लेकिन मैं विपुल डीसा कभी अपने एक्टरों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं कहता था ना, दिल के अच्छे है शक्ल पे ना जाओ। अपने प्यार से दिए तो खाऊंगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। टेस्टी है? बहुत टेस्ट है, और जहर का टेस्ट है। आपने मेरे को जहर दे दिया, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे पहचान लिया सर, आप सुदेश हो ना। अरे हमारी क्या जरूरत, हम कृष्णा को मार दे, हमें गोविंदा से पंगा लेना है। सर जी मैं सुदेश, और आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने इसलिए मारा भाई, तू कृष्णा क्यों बन के आया? हाँ साले तू विपुल बन के क्यों आया? मैं बोला हूँ, वो कितने सालों से परमीत अर्चना बन के आ रहा है, मैं बोला हूँ। अगर परमीत अर्चना बन के आ रहा है तो फिर अर्चना कहाँ है? ये तबला बजा रही है सुरेंद्र बन के, नाम कमा रही है। तो फिर हमारा सुरेंद्र कहाँ है? वो एंकर बन के बैठा है श्वेता तिवारी। सुरेंद्र? अरे तो फिर हमारी एंकर कहाँ है? एंकर तो पिछले हफ्ते निकाल दिया कि एपिसोड था, जोरदार तालियां। अर्चना जी इतना खराब टाइम चल रहा है, मैं क्या बताऊं, साला विपुल बन के आया फिर भी पैसे नहीं ले पा रहा हूं, ना दे पा रहा हूं। इतना खराब चल रहा है, मैं कल कीड़े मारने की दवाई लेके आया था, उसमें भी कीड़े चढ़ गए, क्या करें? तो अब क्या करें? देख बात बताऊं, ये शो हमको बहुत प्यारा है यार। हाँ जी। पेमेंट मिले ना मिले, हाँ जी, हम 12 महीने ऐसे ही लोगों को हंसाते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे, क्यों? ठीक है। तो जजेस, ये पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? पहले मैं पंखा दे दूं, इतनी ठंडी हवा बहुत सालों से नहीं मिली मुझे। अच्छा तो गर्म है। ये तो कभी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। इंसान उड़ सकता है, हैं? ऑब्जेक्ट्स बात कर सकते हैं, इंसान अमर हो सकता है, लेकिन विपुल डीसा पैसे नहीं, नहीं। कृष्णा आपका स्टैंड अप बिगिनिंग में माइंड ब्लोइंग था। यू गेव मी सच अ स्टार्ट, यू नो आई नेवर हैड। ये कहाँ छुपे, पीछे छुपे थे? पीछे। आई हैड नो आइडिया, बट एक मिनट को लगा मुझे वाकई में विपुल पैसे लेकर आ गया। तो मैं ऑलमोस्ट ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी शौक से। कृष्णा और सुदेश, वेलकम बैक एज अ टीम। सोहेल जी, जिस प्रोड्यूसर की मुलाकात आपसे इस तरह हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हंस तो बहुत रहा था, लेकिन ये डर की हंसी थी। कहीं सच तो नहीं? या कहीं सच? क्यों पैसा नहीं देता? डरिए मत, सच है, सच है। डरिए मत, सच है। आप जिस एनर्जी से काम करते हो, मुझे थकान हो जाती है आपको देख के।
मतलब फुल ऑन यू गो ऑन एंड यू कीप दैट पिच गोइंग विच इज़ फंटेस्टिक. और आपका ये एक और एक बात है कि आप डायलॉग डिलीवरी के साथ यू हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल मूवमेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज देयर कृष्णा, विच इज़ फंटेस्टिक. आप थकते नहीं हो यार, कमाल की बात है, विच इज़ फंटेस्टिक. एंड सर, यू हैव कम इन एज दिलीप पाजी, और मैंने दिलीप पाजी के साथ काम किया हुआ है तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ. सुपर्ब सुपर्ब. ये है हमारे पुराने धुरंधर. और कृष्णा, तुम्हारी वजह से कम इमेजिनेशन में तो मुझे पेमेंट मिला. थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते जरूर आइएगा प्लीज.